हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर आर इलेक्ट्रिशियन में। दोस्तों आज हम सैलून वायरिंग करने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं, ये सैलून है और इसी सैलून में हमें क्रेसिंग बीट वायरिंग करना है। पूरे सैलून को वायरिंग करना है, इसमें सीलिंग में लाइट देना है, वॉल फैन लगाना है, बोर्ड लगाना है, एमसीबी लगाना है और मीटर के साथ इसे कनेक्शन करके लाइन को चालू करना है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों पहले हम क्रेसिंग बीट को लगा लेते हैं सीलिंग पे। पिन मारेंगे इसमें, पिन के सहारे इसे हम क्रेसिंग बीट को पूरा लगाए लेंगे। तो जहाँ जहाँ हमें बीट लगाना था हमने लगा लिए हैं और इसके बाद हम वायर कनेक्शन करेंगे। तो यहीं से शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने वायर का कनेक्शन जो है ये हम कर रहे हैं। तो वायर को डालेंगे इसमें और अच्छी तरह से इसका ढक्कन भी लगा लेंगे ऊपर। इस साइड का हो गया, अब इस साइड में करते हैं। तो चलिए दोस्तों इसे भी फटाफट कर लेते हैं। पूरा हो चुका है, ये आप देख सकते हैं कि हमने वायर कनेक्शन पूरा कर लिए हैं और ये जो वायर निकला हुआ है यहाँ पे लाइट पॉइंट लगेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि सीलिंग में हमने दो लाइट पॉइंट के लिए छोड़े हैं और ये साइड में जो बिट गया है ये ठाकुर के लिए, वहां पे एक लाइट का पॉइंट बना है, यहाँ पे एक वॉल फैन के लिए छोड़े हैं। ये आप देख सकते हैं ये वॉल में एक लाइट लगेगा और इस साइड सीलिंग में, इस साइड में दो लाइट पॉइंट छोड़े हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एसी के लिए हमने कनेक्शन बनाया है। ये जो पाइप इधर से जा रहा है बीट, इसमें एसी का कनेक्शन बना है। एसी अभी नहीं लगेगा, बाद में लगेगा। यहाँ पे मेन बोर्ड और ये एमसीयू बोर्ड के लिए है। तो इसके बाद दोस्तों हम होल्डर लगाएंगे। सबसे पहले हम ड्रिल कर लेते हैं, ड्रिल करके लगाते हैं। ड्रिल हो जाने के बाद फिक्सर को लगाते हैं। पहले फिक्सर लगाएंगे और उसके बाद स्क्रू के सहारे उसे कस लेंगे। ये बॉक्स को हम स्क्रू के सहारे से कसेंगे उसमें। तो पहले वायर को निकाल लेते हैं बाहर, फिर लगाते हैं। So baby,
इसके बाद होल्डर का कनेक्शन बनाते हैं, तो पहले वायर का जो इंसुलेशन है इसे हटा लेते हैं। इसके बाद हम होल्डर पे इसे जोड़ लेते हैं, ये हमारा होल्डर है, होल्डर में जोड़ लेते हैं इसे। दोस्तों एक एक करके हम सब लगा लेते हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि हमने लगा लिए हैं। ये होल्डर है, सीलिंग में दो होल्डर और उस साइड में दो होल्डर, तो सीलिंग में टोटल चार होल्डर का पॉइंट बनाया है, चार लाइट पॉइंट बनाया है। ये वॉल पे एक होल्डर है, इस साइड आप सीलिंग में देख सकते हैं, इधर भी इस साइड में दो है, तो साइड में दो, इस साइड में दो, यानी चार हो गया। और ये देख सकते हैं ये वॉल में वॉल फैन के लिए हमने यहाँ पे एक सॉकेट पॉइंट बनाया है, सॉकेट लगा दिए हैं यहाँ पे। और सामने की ओर एसी का पॉइंट बनाया है, कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने बोर्ड लगाए हैं, यहाँ पे एसी का पॉइंट बनाया है, तो एसी अभी नहीं लगेगा, अभी वॉल फैन ही लगेगा। डबल सॉकेट दिए हैं, एक होम थिएटर के लिए सॉकेट पॉइंट दिए हैं, ऊपर में होम थिएटर रहेगा। इसके बाद हम लाइट को देखते हैं, तो ये है पॉलीकैप का लाइट है जो कि 3 वाट का है, और ये शीशा के जो ऊपर में प्लाई का जो काम हुआ है वहां पे ये लगेगा, तो चलिए हम इसे भी लगा लेते हैं, जोड़ते हैं इसे। तो वायर को छील लेते हैं पहले, उसके जो इंसुलेशन है इसे हटा लेते हैं, और हटाने के बाद हम लाइट को जोड़ेंगे उसमें। तो ये हमारा लाइट लग गया, ये आप देख सकते हैं ये लाइट लग गया। इसके बाद दोस्तों हम एक ड्रिल कर लेते हैं, ये यहाँ बाहर से मैन वायर आएगा, तो हमारा ड्रिल हो गया है। ये आप हॉल देख सकते हैं, आर पार दिख रहा है, बाहर में मीटर लगा हुआ है, यहाँ पे हॉल हो गया है, ये आप देख सकते हैं ऊपर में मीटर है, यहाँ से वायर जाएगा मैन वायर, मैन कनेक्शन। तो इसके बाद हम बोर्ड लगाएंगे, तो बोर्ड को सबसे पहले हम नापी करेंगे। ये हमारा वायरिंग हो चुका है, आप देख सकते हैं बोर्ड का हमने वायरिंग कर लिया है, तो पहले हम इसका नापी करेंगे। नापी करने के बाद ड्रिल करके हम बोर्ड को फिक्स करेंगे। दोस्तों हमने बोर्ड का नापी कर लिया है, यह हमारा नापी है, ये आप दागी देख सकते हैं, अब इसमें हम ड्रिल करते हैं। अब फिक्सर लगाते हैं इसमें, और उसके बाद बोर्ड को स्क्रू के सहारे इसे अच्छी तरह से कस लेंगे। अंदर कर लेते हैं इसे, ये हो गया, अब बोर्ड को लगाएंगे इसमें। तो दोस्तों बोर्ड का जो कनेक्शन है, जितना भी हमने वायर जो लाए थे, ये आप देख सकते हैं कि इसका भी कनेक्शन हमने कर लिए हैं, और कनेक्शन करने के बाद हम अब इसे बोर्ड को स्क्रू के सहारे से कस लेंगे। तो चलिए अब हम स्क्रू को लगाते हैं, बोर्ड को फिक्स्ड करते हैं इसे अच्छी तरह से, एक एक करके हम चार को स्क्रू जो है हमारा बोर्ड का सभी को लगा लेते हैं। चाहे सुख हो दिल ने तुझको ही पुकारा, तूने हमको है बनाया, तूने हमको है सवारा, चाहा को तो रब का है, हमें तेरा है सहारा, बस तेरा साथ हो चाहे जो बात हो। दोस्तों हमने बोर्ड को सेट कर लिए हैं, अब इसके बाद हम वॉल फैन को लगाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि जो वॉल फैन का स्टैंड है उसको हम नापी कर रहे हैं,
दोस्तों वॉल फैन का हमने अनबॉक्स किए हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं कि हमने कैसे वॉल फैन को फिट किए हैं, कैसे सेट किए हैं, तो सारा चीज आपको वहां से मिल जाएगा। दोस्तों हमारा फैन सेट हो गया है और इसके बाद हम इसे चलाकर देखेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि फैन स्मूथली घूम रहा है, बढ़िया घूम रहा है। इसके बाद हम लाइन चालू करते हैं, तो आप देख सकते हैं हमारा लाइन चालू हो चुका है, ये बल्ब जलने लगा है और हमने जो शीशे के ऊपर जो कलरिंग लाइट दी है ये भी जलने लगा है, जो कि अच्छा दिख रहा है, बढ़िया लग रहा है देखने में। दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।